हेलो हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ही डिज़ाइन के तीन साइज के कान्हा जी की ड्रेस बना कर लाए हैं। ये देखिए, ये दो और तीन नंबर को आएगी, ये चार नंबर को आ जाएगी, ये पांच नंबर को आएगी, ये पांच चार और पांच को भी आ सकती है। ये पांच जो है, ये देखिए, ये वाली जो है वो पाँच छः को भी आराम से आ जाएगी। तो हमने कॉटन का कपड़ा लिया है और ये अस्तर पाइपिंग हमने अस्तर की लगाई है। आप चाहे तो कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, कॉटन भी ले सकते हैं, अस्तर भी ले सकते हैं, प्लेन प्रिंटेड कोई भी ले सकते हैं। तो आशा है कि हमारा बनाया हुआ ये अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। देखिए, ये तीन चार का, ये पाँच छः का, ये छः सात का, इस तरह से हमने तीन साइज में बना दिया है। तो देखिए, अभी हम आपको सबसे जो छोटा वाला है उसको पहना के दिखाते हैं। वैसे तो हमारे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इनको आ जाएगी। ये देखिए, क्योंकि छोटे होने के कारण चौड़ाई भी कम है, देखिए लंबाई भी ज़्यादा है हमारे कान्हा जी के लिए, लेकिन हमारे कान्हा जी छोटे हैं इसलिए हम यहाँ पे इनको पहना के आपको दिखा देते हैं कि कैसे इनको पहनाएंगे। तो ये देखिए, देख पहनने में बड़ी सुंदर लगती है और गर्मियों का टाइम है तो कॉटन की ड्रेस आराम से इनको, ये देखिए, यहाँ से हम इनको बांध देंगे, यहाँ से हम इनको यहाँ लटा देंगे और लटा के यहाँ पे इस तरह से बांध देंगे। देखिए, ये हमारे दो नंबर के कान्हा जी हैं, इनको भी आ गई है और ये इस तरह तीन नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी। ये देखिए, हमने नीचे से इनको ये जो पहनाई हुई थी ड्रेस वो भी पहनाई हुई है, हमने निकाली नहीं है। तो देखिए, इस तरह से ये चौड़ी भी ज़्यादा है इस, क्योंकि कान्हा जी हमारे छोटे हैं। जो तीन नंबर और चार नंबर के कान्हा जी हैं उनको तो आराम से आएगी, क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं, ये हमारे कान्हा जी छोटे हैं। तो आशा है, देखिए, एकदम अच्छे से इनको आ गई है। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने इनकी ड्रेस बना, कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए 3.5 by 16 inch का हमने कपड़ा लिया है। ये देखिए, हमने दो पट्टियाँ ले ली हैं यहाँ से। तो चलिए, पहले हम सबरे इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करके इसको यहाँ पे हम पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से हम इसमें चुन्नट डालेंगे, छोटे छोटे से इस तरह चुन्नट डाल के। ये देखिए, इस तरह चुन्नट डालेंगे। चलिए, आपको चुन्नट डाल के फिर दिखाते हैं कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे देखिए चुन्नट डाल ली, इसे चुन्नट डालिए। अब हमने इसका दो हिस्सा कर लिया है, ये देखिए दो पीस बना लिए हैं हमने, ये देखिए हमने इसका दो पीस बना ले। आप लोग को अभी हम यहाँ पे येलो कलर की पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने चुन्नट डाली है, ये देखिए दोनों साइड में चुन्नट डाली है, तो दोनों साइड का जो मुँह है वो एक ही जैसा होना चाहिए। चलिए देखिए, हमने चुन्नट डाल ली, अब हम इसके ऊपर इस तरह पाइपिंग लगाएंगे, इस तरह इसको रख के इसके ऊपर इस तरह पाइपिंग लगाएंगे। चलिए, पाइपिंग लगा के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इसकी पाइपिंग बना लेंगे। चलिए, पाइपिंग बना ले फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने पाइपिंग लगा ली है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 6 सेंटीमीटर का यहाँ तक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ इस तरह रख के इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। चलिए, सिलाई लगा लें फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, हमने यहाँ सिलाई लगा ली, अब हम यहाँ पे इनकी पट बांधने के लिए डोरी बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह पहले यहाँ इस तरह सिलाई लगाएंगे, इस तरह रख के यहाँ पे सिलाई लगा। चलिए, सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, सिलाई लगा ली हमने, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करके यहाँ से ऐसे रख के इनकी ये पतली सी हम डोरी बना लेंगे। आप चाहें तो डोरी बाज़ार से ला के भी लगा सकते हैं, चाहें तो इसके साथ के भी इस तरह बना के हम इनकी डोरी बना के बना लेंगे, इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। चलिए, करके दिखाते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा के डोरी उनकी बना दी है। तो चलिए देखिए, हमारी ड्रेस जो है एकदम सिंपल आसान तैयार हो गई है।